पहले के टाइम में हम जनरली विजिटिंग कार्ड हम साथ में कैरी करते थे। हम जब भी कोई अननोन पर्सन को मिलते थे तो विजिटिंग कार्ड की एक्सचेंज करते थे। बट आज के एंटरप्रेन्योर्स, आज के प्रोफेशनल काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स आजकल इस तरह से मोबाइल रखते हैं, कार्ड उठाते हैं, यहाँ पे पीछे टैप करते हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है एक क्लिक में सामने वाले बंदे को प्रोवाइड कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DIGITAL डिजिटल खिचड़ी। मेरा नाम है धवल और हमारी जो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम प्रैक्टिकल एक टूल में आपको बताने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, पहले के ज़माने में इंफ्रारेड आता था, उसके बाद ब्लूटूथ आया, फिर अब बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए हम कई बार विजिटिंग कार्ड हमको साथ में कैरी करना होता है, कई बार हमारे पास विजिटिंग कार्ड है वो इतने इनफ अवेलेबल नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होती है। NFC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आपको विजिटिंग कार्ड कहीं पर भी आपको कैरी करके जाना नहीं रहेगा। तो चलिए समझते इसको, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, उसको अनबॉक्सिंग करते हैं जो मुझे मिला हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं जो मुझे NFC का जो एक कवर मिला है, बढ़िया सा काफ़ी अच्छा है ये येलो लुकिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ नेटवर्किंग। जी हाँ, यानी कि ये बिजनेस पर्सन के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग है उनके लिए, सबके लिए जो प्रोफेशनल है उनके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग NFC कार्ड होने वाला है जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों। आज के 2-3 साल में आप देखेंगे कि ये काफ़ी फेमस होने वाला है। तो आज यदि आपके पास है तो आप न्यू फर्स्ट मूवर आप बनने का आपके लिए काफ़ी अच्छा बढ़िया चांसेस है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आई एम फीलिंग लाइक जैसे जो ATM कार्ड मिलता है ना, काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड मिला हुआ है। यहाँ पे एक बढ़िया सा थैंक यू वाला कुछ लेटर मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ बिल्कुल यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, यहाँ पे बढ़िया सा लिखा हुआ है स्मार्ट बिजनेसमैन स्मार्ट बिजनेस कार्ड। जी हाँ दोस्तों, तो स्मार्ट बिजनेसमैन स्मार्ट बिजनेस कार्ड यहाँ पे जस्ट लाइक मुझे एक ATM कार्ड की जो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो काफ़ी बढ़िया फीलिंग यहाँ पे मुझे आ रही है कलर कॉम्बिनेशन के साथ विथ कार्ड मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। लेट्स सी इसके पीछे क्या दिया गया है। यहाँ पे हमको इस कार्ड को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। हाउ टू यूज़ NFC कार्ड, 3 ways टू शेयर योर कार्ड, जस्ट स्टेप टू शेयर ऑन NFC इनेबल मोबाइल, जस्ट स्टेप टू बिहाइंड मोबाइल सरफेस। ओके, एक प्लास्टिक कवर के साथ मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त है, बढ़िया है चीज़ जो। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं इसको कैसे इसको यूटिलाइज करा जा सकता है। मेरा मोबाइल है यहाँ पे, ये जो NFC कार्ड है जस्ट मैंने यहाँ पे उसको टैप किया है, और आप देख सकते हैं टैप करने के साथ ही यहाँ पे बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल गई है। मेरी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बढ़िया सी नाम है, ईमेल एड्रेस है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फिर डिस्क्रिप्शन डालना है तो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये काफ़ी ईजी है अभी हमको विजिटिंग कार्ड कैरी करने की कोई टेंशन नहीं है कि हमारे पास कितने अवेलेबल है नहीं है, प्रिंटिंग करवाना नहीं करवाना, आप देख सकते हो सामने वाले के बंदे पे बस यहाँ पे इस तरह से आप इंप्रेशन काफ़ी बढ़िया जमा सकते हो। और मार्केटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप सामने वाले बंदे को आप ऐसा फील करवाओ कि आप लेटेस्ट ट्रेंडिंग है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो। तो ये NFC कार्ड से आपको ये डेफिनेटली वो सामने वाले बंदे को फील होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया की भी लिंक्स दी गई है, यानी कि कोई भी बंदा है यहाँ पे समझ लो फेसबुक पे क्लिक किया तो तुरंत हमारा जो भी फेसबुक का अकाउंट होगा वहाँ पे तुरंत ही वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे यूट्यूब का है, वेबसाइट है हमारी, हमारे अदर सोशल मीडिया चैनल्स है उनकी भी हम यहाँ पे जो भी लिंक्स है वो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। मेरे अभी जो मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने है यहाँ पे डाली हुई है, आप यहाँ पे अपना और दूसरा नंबर है वो भी डाल सकते हैं। फिर
सामने वाला जो भी बंदा होता है उनको एक कार्ड को कॉन्टेक्ट सेव करना है, तो तुरंत यहाँ पे सेव कॉन्टेक्ट करेंगे तो तुरंत वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी और तुरंत वो सेव भी कर सकता है। अभी आप कहीं पे घूमने गए हुए हो और सडनली आपको कोई एक ऐसा बंदा मिल गया जिसके साथ आपको लग रहा है कि आप बिजनेस डील कर सकते हैं, या तो आपका कोई भी काम है आपको करना है, बट उस टाइम पे आप तो घूमने गए हो और आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है, बट उस टाइम पे यदि आपके पास NFC कार्ड हुआ ना दोस्तों, तो आपके लिए एक बढ़िया और स्मार्ट तरीका है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ था स्मार्ट बिजनेस मैन स्मार्ट बिजनेस कार्ड, यानी कि दोस्तों अभी हमारा जो नॉर्मल विजिटिंग कार्ड हुआ ना, तो हमने उसको दिया ना, तो वो कलेक्ट कर लेगा सामने वाला बंदा, अननोन पर्सन होगा वो, ठीक है। और समझ लो कि हम उनका नंबर मांगेंगे ना, पर्सनल नंबर, तो वो शायद थोड़ा हिचकिचाएगा और वो क्या बोलेगा मालूम है, आपका विजिटिंग कार्ड मैंने नहीं ले लिया है, विल कॉन्टेक्ट यू सून, ऐसा करके, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि यहाँ पे स्मार्ट बिजनेसमैन की क्या स्मार्ट चॉइस होती है, मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से सामने वाले बंदे का स्मार्टली आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखिए एक व्हाट्सएप नंबर करके यहाँ पे बॉक्स है, यानी कि आपने वो सामने वाला बंदा आपको लिफ्ट में मिला है, तो कैमरा मैन आपका नंबर बोलिए एक मिनट, 9624 3। ओके, तो आपने समझ लो कि सामने वाले बंदे का नंबर है, अभी नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया है, उन्होंने दे दिया है, आपको क्या करना है, ये जो कार्ड है उनको भेजना है, क्योंकि अभी आपके पास वो फिजिकल जो विजिटिंग कार्ड है वो नहीं है, आप व्हाट्सएप के जरिए उनको आप कार्ड भेजना चाहते हो, तो तुरंत विद इन अ सेकंड आप उनको डायरेक्टली आपकी सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से आप भेज सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे कि किस हिसाब से स्मार्टली, जी हाँ दोस्तों, स्मार्टली आप सामने वाले बंदे का नंबर भी आपके पास आ गया और आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे भेज भी दी। आपको भी मालूम है दोस्तों कि हम एग्जीबिशन वगैरह में कहीं पे भी जाते हैं तो लोगों के पास इतने विजिटिंग कार्ड्स होते हैं और इतने विजिटिंग कार्ड विजिटर्स वगैरह कैरी करते हैं, तो हमने कई बार देखा है वो हमारे गली मोहल्ले में वो ठेले वाला बंदा जहाँ पे भेलपुरी होती है, तो कई बार हमारे विजिटिंग कार्ड का यूज़ वहाँ पे भी होता है, राइट। तो दोस्तों क्यों ना हम इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड का हम इस्तेमाल करें, NFC कार्ड का इस्तेमाल करें और हम एक स्मार्ट बिजनेसमैन बने और इसी तरह से हम स्मार्टली बिजनेस कम्युनिकेशन करें और अच्छी खासी इंप्रेशन डाल के हम हमारे डील को क्रैक कर सकते हैं। अभी आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आए दोस्तों कि ये NFC टेक्नोलॉजी है वो कई सारे मोबाइल में है, कई सारे मोबाइल में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको यदि फर्स्ट मूवर है तो डेफिनेटली सैमसंग हुआ और हाल फिलहाल वन प्लस मोबाइल है, आईफोन है, वहाँ पे तो ये सारी NFC फैसिलिटीज अवेलेबल ही है, बट कई सारे ऐसे डिवाइसेज है वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दोस्तों आजकल फ्यूचर में भी वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे आने ही वाली है। और एक रास्ता वो भी है दोस्तों, यहाँ पे एक QR कोड भी दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो नॉर्मल फ़ोन है वहाँ पे NFC टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है उस फ़ोन में, तो आप इस कोड को स्कैन करके भी आप यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपके माइंड में से कोई सवाल आ सकता है कि यदि मुझे NFC कार्ड अवेल करना है कैसे करना है, यदि आपको पसंद आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में आपको भेज सकता हूं। और अभी एक कार्ड के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बढ़िया सा अच्छी तरह से मुझे कार्ड वेल डिजाइन करके यहां पे भेजा गया है, काफी नॉमिनल रेट है, लाइफ टाइम आपको NFC कार्ड मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको यहां पे डेफिनेटली आप डिजिटल खिचड़ी के साथ जुड़े हुए हो तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलना ही है। तो आपको दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस कार्ड को परचेस कर सकते हो, बट वहाँ पे जब आप परचेस करते हो तब यहाँ पे आप डिजिटल खिचड़ी DIGITAL KHICDI 20 ई कोड यदि आप वहां पे एंटर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 20% का नेट डिस्काउंट वहां पे मिलेगा दोस्तों। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूटिलाइज। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो NFC टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है, आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ में आपके बिजनेस फ्रेंड को भी, एक बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेटवर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए ये कार्ड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट मूवर बनने के लिए आज ही इस कार्ड को परचेज करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।